जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो आज वीवो अपने एक नए 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, वीवो Y55 5G। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का क्या है ऑफिशियल प्राइस, ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे अल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल परसों की बात है, Vivo Y21e और Vivo Y33t ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए थे इंडिया में। वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। आप तो दोस्तों अब तक तो जान ही चुके होंगे कि वीवो अपने मिड रेंज स्मार्टफोन में कितने बेकार स्पेसिफिकेशंस देता है। यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर आपको 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिल जाता है, 401 का PPI मिलता है, मैं बता रहा हूँ बस दोस्तों, और कुछ भी नहीं मिलता है। पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलता है, कोई AMOLED पैनल नहीं है, कोई हाईर रिफ्रेश रेट तक नहीं दिया हम लोगों को। और ये स्मार्टफोन जानते हो 22,000 रुपए का है, 22,000 रुपए में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास भी आपको वैसे मिल जाते हैं जो वीवो के टिपिकल स्मार्टफोन्स में मिलते हैं, ओमनी विजन वाले। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, 8 का सेल्फी मिल जाता है वाटर डॉप नॉच के साथ। अरे यार वाटर डॉप नॉच देते हो, कभी तो 16 का सेल्फी दे दो, कोई स्मार्टफोन में तो देने की कोशिश करो। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 2.1 का शो सपोर्ट मिलता है, LPDDR4 XM टाइप मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, लेकिन 18 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। देखो यार वीवो, ये 22,000 रुपए का स्मार्टफोन है, 10-11,000 रुपए का स्मार्टफोन नहीं है। यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 25 वाट का चार्जर तो देना ही चाहिए था। अंदर दिल में मतलब कि तकलीफ नहीं होता है कि भाई मैं अपने कस्टमर्स को कैसे स्मार्टफोन बना के दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा सर्विस देने का कोशिश करो यार। 18 वाट का चार्जर वो भी 22,000 रुपए में, इतना भाई इतना दिल से बुरा लगता है यार। चलो यार आगे बात करते हैं, एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, फनटच OS 12 पे रन करता है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर स्मार्टफोन अभी नया नया लॉन्च कर रहे हो तो एंड्रॉइड 12 के साथ निकालो ना यार। एंड्रॉइड 12 को रिलीज हुए कितना टाइम हो गया है, अब फनटच OS 12 दे रहे हो, अपना नया OS दे रहे हो, कस्टम UI, लेकिन जो मेन एंड्रॉइड वर्जन है उसको नहीं चेंज कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना यार। जबकि सबको पता है फनटच OS 12 एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है, उसको तो एंड्रॉइड 11 के लिए रिलीज किया गया था, एंड्रॉइड 12 के साथ दे दोगे तो क्या हो जाएगा, NFC मिल जाता है, बस यही मेन स्पेसिफिकेशंस है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 700 मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वाड कोर प्रोसेसर है, वाली G57 MC2 का GPU मिल जाता है। देखो यार परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे ठीक ठाक गेमिंग कर लोगे, थोड़ा थोड़ा लैग होगा लेकिन काम चल जाएगा, इतना पता नहीं चलेगा। डे टू डे लाइफ पे स्मार्टफोन फास्ट वर्क करेगा, लेकिन सवाल ये होता है ना भाई, ये जो Dimensity 700 है ना, 15 तक के स्मार्टफोन्स में ही ठीक है, 15,000 रुपए तक के स्मार्टफोन्स में, 22,000 रुपए के स्मार्टफोन्स में अभी हम लोगों को 778G देखने को मिल जाता है, जो एक मिड रेंज फ्लैगशिप प्रोसेसर है। Dimensity 810 दे देते, Dimensity 900 दे देते, वो सब तो दोगे नहीं, इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, जितना कम हो सके उतना कम हम देना चाहते हैं, उतना ही देंगे हम, ये हमारा स्टाइल है, वीवो का स्टाइल है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 8.25 mm के थिकनेस के साथ आता है, 187 ग्राम्स इसका वेट है। डिजाइन वाइज देखने में नया लगता है, जो कैमरा हाउसिंग है, जो डिजाइन है वो नया नया लगता है और यूनिक लगता है। और यकीन मानो वीवो इस डिजाइन को अपने बहुत सारे स्मार्टफोन में यूज करने वाला है, यही सेम डिजाइन रहेगा, पसंदर का हार्डवेयर चेंज हो जाएगा बस और कुछ भी नहीं, ये वीवो का स्टाइल है। आगे से देखोगे तो वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है, चिन मिल जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एंटी लेवल के स्मार्टफोन्स का लुक देता है। बिल्ड वाइज देखोगे तो प्लास्टिक बैक के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, बिल्ड वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, डिजाइन वाइज पीछे से देखने में अच्छा लगता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज ताइवान में लॉन्च हो गया है। प्राइसिंग की बात कर लें तो 4+128GB केवल एक ही रैम वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर भी कंजूसी दिखाई देता है अपने को, 6+128GB दे सकते थे लेकिन 4+128GB दिए, वाह भाई वाह, इतना कंजूसी करते हो तुम लोग। इसका प्राइस है 21,500 रुपये, 21,500 रुपीज। और जानते हो यहाँ पर आपको 1GB वर्चुअल रैम मिलता है, वाह भाई वाह, बहुत ही ज़्यादा वर्चुअल रैम दे दी हम लोगों को। वैसे आपको प्राइसिंग कैसा लग रहा है, अपनी ओपिनियंस और रिएक्शंस कमेंट करके बताना।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में। क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, होगा तो कब तक लॉन्च होगा, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार, पहली बात, ये स्मार्टफोन इंडिया में 100% लॉन्च होगा। आज तो इंडिया में ये इंपोर्ट भी हो चुका है, दैट मीन्स आपको फरवरी के महीने में कभी भी ये लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इंपोर्ट हो गया तो भाई कभी भी लॉन्च हो सकता है। और वीवो के वाई सीरीज के स्मार्टफोन्स वीवो अपने मन से ही लॉन्च करता है, कभी भी कुछ हम लोगों को टाइमलाइन वगैरह नहीं बताता है, बस लॉन्च कर देता है तुरंत इंडिया में। अब रहा सवाल कि वेट करे कि नहीं करे, मत करो वेट, ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका प्राइस इंडिया में होगा 20,000 रुपये के ऊपर में। अगर आपका बजट है 20,000 रुपये के आसपास या फिर 21-22,000 रुपये है तो रियलमी GT मास्टर एडिशन को जाके परचेज करो। Xiaomi 11 आई है, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। वीवो V23 की तरफ भी जा सकते हो अगर आपका मन है तो। मोटो H20 फ्यूजन है, उसके तरफ भी जा सकते हो। 15-16,000 रुपये का बजट है तो रियलमी 8S की तरफ चले जाओ। रेडमी नोट 11 टी है, रेडमी नोट 11 एस लॉन्च होने वाला है, रियलमी 9 आई कल लॉन्च हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन है भाई, उनके तरफ जाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो। तो दोस्तों बस यही है कंप्लीट पैकेज वीवो के इस वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन वीवो Y55 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, एम करते हैं 80 लाइक का, कर दो यार जल्दी से। चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को ही दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वीवो Y55 कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं, उसके लुक्स, उसके प्राइस, उसके स्पेसिफिकेशंस, सब कुछ आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज़ भी देता हूँ, तो टेक न्यूज़ भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।